हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिफराइज टेक। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपके लिए वीडियो लाया है क्योंकि मुझे कुछ दोस्त कमेंट्स कर रहे थे। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझे कमेंट्स ये कर रहे थे कि परेश भाई, हमें ये बताइए कि अर्निंग जो हो रही है यूट्यूब से, आपकी जो अर्निंग है वो कितनी है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हमें ये नहीं बताता कि अर्निंग आपकी कितनी हो रही है यूट्यूब से। तो बिल्कुल, मैं हूँ आपका भाई जो हमेशा आपको जेन्युइन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसीलिए मैं आपको आज प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि YouTube से जो अर्निंग हो रही है, मेरी अर्निंग कितनी हो रही है। बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, YouTube की अर्निंग दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मेरा जो एडसेंस है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये जो दोस्तों है, ये एडसेंस है। एडसेंस क्या होता है? जैसे पेटीएम वैलेट जो होता है, जो अर्निंग्स हमारी आती है यूट्यूबर्स की, वो इसमें आती है। इसको एडसेंस बोलते हैं, यानी कि गूगल एडसेंस। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो है गूगल एडसेंस है। तो इसमें जो यूट्यूब पैसे भेज देता है वो इसी में भेज देता है। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम इधर क्लिक करेंगे, जो आपको दिख रहा है थ्री डॉट्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही है। तो हमें क्या करना है, यूट्यूबर्स को, हमें ऊपर एक ऑप्शन जो दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँगा, एडसेंस फॉर यूट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है एडसेंस फॉर यूट्यूब, क्योंकि हमें यूट्यूब का पेमेंट देखना है कि रेवेन्यू यूट्यूब का देखना है, तो हम एडसेंस फॉर यूट्यूब इसी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कितनी मेरी जो अर्निंग हुई है वो कितनी हुई है। जो अभी लास्ट पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट पेमेंट जो मैंने रिसीव किया है वो है 105.26। जो मेरा पिछला पेमेंट आया है वो कितना आया है, 105.26 डॉलर्स में। ये रुपीज़ में नहीं है, ये डॉलर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉलर्स है। तो इसको हम कन्वर्ट अब करेंगे इंडियन करेंसी में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो मेरी प्रेजेंट जो आएगा, जो अभी मेरी आएगी सैलरी, वो कितनी आएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 105.26। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में। तो यहाँ पर हम 105.26, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो है इंडियन डॉलर जो है 105.26। ये जो मेरा पेमेंट आया है, लास्ट पेमेंट, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जो मेरा लास्ट पेमेंट आया है यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, 105.26 ये यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इसको मैंने कन्वर्ट किया है इंडियन रुपीज़ में। ये जो मेरा पेमेंट आया था 8717 रुपीज़ जो आए मेरे अकाउंट में। तो ये मेरा पेमेंट जो था, ये लास्ट पेमेंट था। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रेजेंटली जो मेरा पेमेंट आएगा वो कितना आएगा। तो ये भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। अभी जो मेरा बैलेंस है वो है 94.85। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडसेंस में 94.85, ये क्या है, डॉलर्स। तो दोस्तों, अगर हम इसको ऐड करेंगे, जो मेरा अभी मंथ चल रहा है, मेरा ये अभी मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। इसीलिए रिसीव नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा, क्योंकि जो यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, मिनिमम $100 होने चाहिए, तो उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि एक मंथ में, यानी कि अगर एक मंथ में 100 कंप्लीट नहीं हो जाता तो वो नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि नवंबर में मुझे 94 ही आए, इसलिए मेरे अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया गया। अगर ये 100 प्लस कुछ भी होता एक मंथ के अंदर तो मेरे अकाउंट में ये आ जाता, इसलिए ये 94 था, ये मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दिसंबर मंथ की, अब इसमें ऐड करूंगा, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, $50 में रखूंगा, 94 को ऐड करूंगा मैं $15। तो दोस्तों, ये बनता है 144। कितना बनता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 94, ये जो है 94, इसको प्लस हम करेंगे
अगर मेरा बनेगा इस मंथ में बनेगा 94 प्लस हम 50 करेंगे तो ये कितना बनता है दोस्तों, ये बनता है $144। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों $144। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे $144 को, तो इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। अब हम देखेंगे $144 ये दोस्तों बनता है जो मेरा पेमेंट आएगा अब जनवरी में, यानी कि दिसंबर एंडिंग तक जो मेरा पेमेंट बनेगा, ये बनेगा 11,000। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं 11,925, यानी कि जो अब मेरी सैलरी आएगी वो आएगी 11,925। और जो मैंने लास्ट रिसीव किया था वो मैंने पहले ही आपको दिखाया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। वैसे कोई भी यूट्यूबर इस तरह से नहीं दिखाता है कि यूट्यूब की अर्निंग कितनी हो रही है, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि मेरी जो अर्निंग है ये कितनी हो रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक